हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिकवुड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बनाएंगे एक वीडियो जिसके अंदर हम करेंगे रियल टाइम डायग्नोसिंग। ये हमारे क्लाइंट हैं, इनका नाम है मिस्टर दिनेश। तो इनकी शॉप इसी मॉल में है। तो ये जो लैपटॉप है इनके छोटे भाई का है, और इस लैपटॉप के अंदर कुछ क्या इशू आ गया था आपके भाई को? इसमें कीबोर्ड और इसका प्रॉब्लम था। अच्छा, टाइपड और कीबोर्ड का प्रॉब्लम था। तो इनके छोटे भाई ने एप्पल स्टोर में लेके गए इसे। तो एप्पल स्टोर ने कहा कि इसका पूरा का पूरा टॉप केस चेंज करना पड़ेगा, विच इज दिस कंप्लीट बॉडी। और अराउंड कितने हजार का कोटेशन दिया आपको उन्होंने, आपके भाई को? 25,000 रुपए कोटेशन दिया। 25,000 का कोटेशन दिया एप्पल ने इनको, ये पूरा का पूरा टॉप केस चेंज करने के लिए। तो अभी हम करेंगे इसको रियल टाइम डायग्नोस और चेक करेंगे इसके अंदर एग्जैक्टली इशू क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मशीन ऑन है, बट नथिंग इज गेटिंग टाइप ऑन दिस। ट्रैकपैड भी नहीं चल रहा है और कुछ कीबोर्ड में टाइप भी नहीं हो रहा है। सो ये काफी कॉमन दिक्कत है इस लैपटॉप के अंदर। एंड यूजुअली एज पर माई नॉलेज इसके अंदर कुछ मेजर दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक केबल आता है, ट्रैकपैड केबल, जो कनेक्ट करता है मदरबोर्ड को ट्रैकपैड से। कीबोर्ड का कनेक्शन वायर ट्रैकपैड होता है। तो एज पर माई नॉलेज आई थिंक इट्स ओनली द केबल इशू, बट स्टिल लेट्स डू द रियल टाइम डायग्नोस एंड चेक द इशू। अभी हम इसे फोर्सफुली शटडाउन कर देंगे। हम इसे प्रेस करके रखेंगे 10 सेकंड के लिए। शटडाउन हो गया है। सो लेट्स ओपन दिस एंड डायग्नोज द सिस्टम। हम यूज करेंगे पेंटालूप P5 स्क्रू ड्राइवर। सबसे पहले हम इसका बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज द केबल आई एम टॉकिंग अबाउट। हम एक बार इस केबल को चेंज करके चेक कर लेंगे। हम यूज करेंगे T3 स्क्रू ड्राइवर टॉक्स। एंड विद द हेल्प ऑफ नायलॉन स्टिक हमें इसे इजिली पुल आउट करना है, लाइक दिस। 1 और यहाँ से भी निकालना है इसे। 2 हमारे पास एक्सपायर केबल है, तो चेक दिस। सो हमारे पास ये केबल है जस्ट टू डायग्नोस दिस। हम इसे कनेक्ट कर लेंगे इजीली। आपको ध्यान देना है कि आपका बैटरी कनेक्टर डिस्कनेक्टेड हो। लेट्स रिकनेक्ट द बैटरी कनेक्टर। हम इसे परपेंडिकुलरली क्लोज नहीं करेंगे, हम एक बार चेक कर लेंगे इसे फाइनल क्लोज करने से पहले, ठीक है। लेट्स चेक दिस आउट नाउ कि ये चालू हुआ है नहीं हुआ है, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन इशू है इन दिस लैपटॉप। इट्स अ मैकबुक प्रो 13 इंच 2015 मॉडल A1502 एंड दिस केबल इज प्रेजेंट ओनली इन दिस पर्टिकुलर 13 इंच मॉडल। 2014 में ये केबल नहीं आता था। क्या बात है, आपका टाइपपैड भी चालू हो गया है और ये आपका कीबोर्ड भी चालू हो गया है। परफेक्ट, कोई इशू नहीं इसके अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका काम बहुत सस्ते में हो गया है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द केबल इज नॉट दैट मच, इज वेरी नॉमिनल। सो एज यू कैन सी कि इनको जो इशू बताया गया था एप्पल सर्विस सेंटर के अंदर कि पूरा का पूरा टॉप केस चेंज करना पड़ेगा, बट दैट वाज नॉट द सिनेरियो। ओनली एक सिंगल केबल वाज फॉल्टी, ड्यू टू विच दे वर सेइंग टू रिप्लेस द होल टॉप केस। सो दिनेश, आपको कुछ बोलना है इसके बारे में? आपका काम सस्ते में हो गया और अच्छे से हो गया है विद इन 5 मिनट्स। थैंक यू सर। आसिफ भाई, मैंने मेरे भाई को बोला था कि अपने मॉल के अंदर भी एक आसिफ भाई करके अंदर शॉप है। करेक्ट। फिर बोला तू एक बार ट्राई कर, तो मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो उनको शायद उनको नहीं पता होगा हमारे बारे में। हाँ, उनको नहीं पता रहेगा। तो उनके भाई को शायद नहीं पता था कि आर्टिकवुड एग्जिस्ट। तो नो वरीज एट द एंड ऑफ द डे, बट आई थिंक सस्ते में हमारा काम हो गया। एंड आई थिंक एप्पल ने उनसे कुछ रिसर्च भी दिया रहेगा टू डायग्नोस द सिस्टम। 2,500 रुपए वहाँ पे 2,500 रुपए दिए सिर्फ डायग्नोस करने के, जिसमें कुछ रिजोल्व भी नहीं हुआ। राइट, ओके, चलो। एनीवेज लेट है, दुरुस्त है, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो अभी इसे पैक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आया होगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू दिनेश भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।